एक बार थी एक नाव जो एक लंबी यात्रा पर निकली थी। उस नाव पर था एक आदमी जिसका नाम था गलिवर। गलिवर एक साहसिक व्यक्ति था और वह कोई नई जगह का पता लगाने निकल पड़ा। एक रात तूफान की वजह से नाव पे सारे लोग समुन्दर के बीचों बीच फंस गए। नाव डूब गई और उसके सारे लोग भी सिवाय गलिवर के। गलिवर ने अपनी जान जैसे तैसे बचाकर समुद्र तट तक तैरते हुए चला गया। भूखा प्यासा और थका हुआ गलिवर ने खुद को रेत पर घसीटा और बेहोश गिर पड़ा। दिन भर गलिवर बेहोश ही रहा और जब वह अंत में जागा तो उस पे तेज धूप धधक रहा था। उसने हिलने की कोशिश की पर हो नहीं पाया। अपने आप को उठाने की कोशिश की पर हो ही नहीं पाया। उसके बाल, हाथ, पैर और शरीर जमीन से बांधे हुए थे। जैसे तैसे करके उसने अपने सर को धीरे से उठाया तो उसने छोटे छोटे इंसानों को इधर से उधर भागते हुए देखा। किसी ने उस पे सीढ़ी लगाई हुई थी उसके ऊपर चढ़ने के लिए। छोटा आदमी जो गलिवर की अंगूठा जितना था उसके कान के पास आकर बोला, तुम लिलीपुट की जमीन पर हो और हम लिलीपुट के निवासी। हम तुम्हें महाराजा के पास ले जा रहे हैं। चुपचाप चलना, नहीं तो हमें मजबूरन तुम पे गोली चलानी पड़ेगी। गलिवर ये सुनकर हैरान रह गया और उसको इस धमकी से हंसी भी आई, पर उसने चुप करके मान लिया। एक बड़ा लकड़ी का संरचना लाया गया और गलिवर को काफी संघर्ष के बाद उसको उस पे डाल दिया गया। सारे लिलीपुट्स उस संरचना को खींच कर ले गए। लिलीपुट्स थे छोटे छोटे पर एक साथ थे काफी बलवान। और जब गलिवर महल के अंदर प्रवेश हुआ तो वहाँ सारी इमारतें देखकर हैरान रह गया। सब कुछ इतना अच्छे से खड़ा किया गया था। लिलीपुट्स के शहर में कोई जश्न का समय था तो सब कुछ सजा सवर के था। ये सब देखकर गलिवर आश्चर्यचकित रह गया। महाराज महल के द्वार पर आया गलिवर का स्वागत करने। जीवन में गलिवर ने कभी भी इतना छोटा सा महाराज नहीं देखा था जिसने इतने बेहतरीन कपड़े और रत्न भरा ताज पहना हुआ था। तुम तो काफी अनोखे हो, अगर यहाँ रहोगे तो हम सबके बहुत काम आओगे। मैं जरूर आपकी मदद करूँगा पर एक शर्त है, पहले आपको मुझे खुला छोड़ना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, इस महाकाय आदमी को खोल दो। गलिवर को आजाद किया गया और उसके लिए भोजन का प्रबंध किया गया जिसको गलिवर ने पेट भर के खाया। जल्द उसके लिए अच्छे कपड़े भी बनाए गए। महाराजा ने गलिवर के लिए एक बड़ा सा घर बनाने का आदेश भी दिया था। लिलीपुट्स ने गलिवर की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। गलिवर इतने अच्छे घर में कभी नहीं रहा था और लिलीपुट्स के लिए ये घर बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। लिलीपुट शहर का था एक पड़ोसी राज्य ब्लियोस, जिनके साथ उनके संबंध कुछ ठीक ठाक नहीं थे। ब्लियोस के महाराज ने लिलीपुट्स पर जंग छेड़ दी। उसने 100 नाव लाए लिलीपुट्स पर वार करने के लिए और सब लोग बहुत डर गए। लिलीपुट्स के निवासी गलिवर के पास गए उसकी मदद के लिए। महाराजा ने कहा, हमें निराश मत करो गलिवर, तुम्हारी मदद की हमें बहुत जरूरत है। आज का दिन ही है जब तुम सच में ये साबित कर सकते हो कि तुम हमारी रक्षा करते हो। गलिवर अपने लिलीपुट के दोस्तों की मदद करना चाहता था क्योंकि उन सब ने उसका अच्छा ख्याल रखा था। गलिवर दरिया में घुस गया और सारे नाव को एक साथ बांध दिया और दूर समुद्र के अंदर ले गया। ब्लियोस की सेना गलिवर के ऊपर पत्थरों से वार करने लगे, पर क्योंकि गलिवर इतना बड़ा था उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। दिन भर वह नाव को खींचते ही गया जब तक ब्लियोस की सेना ने हार मान लिया।
गलीवर ने सबको चेतावनी दे दी कि वह लिलीपुट्स की जमीन पर कभी वापस ना आए, नहीं तो वह उन सबको डुबा देगा। ब्लूज का महाराज आगे आ गया अंत में शांति का प्रस्ताव लेते हुए, और लिलीपुट्स के महाराज ने भी उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों राज्यों में अब शांति और दोस्ती हो गई। सब लोगों ने जश्न मनाया और गलीवर को अपनी वीरता पर प्रशंसा किया। गलीवर को वीर का पद दिया गया और वह कई साल तक लिलीपुट्स के राज्य में ही रहा।